उन्होंने पढ़ते उधेड़ने शुरू किए तो उसमें से कई बड़ी चौंकाने चीज चौंकाने वाली बातें निकली। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश। आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। विनय जी, आपकी पहचान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर पैनी नजर रखने के रूप में रही है और आप भाजपा से भी जुड़े हैं। आपने PFI के बारे में काफी रहस्योद्घाटन किया और झारखंड में उस पर प्रतिबंध लगाने के पीछे आपकी भूमिका भी मानी जाती है। उधर भीमा कोरेगांव घटना के बारे में आपने कई TV चैनलों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इस घटना का एक कनेक्शन झारखंड से भी है। क्या आप आजाद सिपाही के पाठकों श्रोताओं को के लिए उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? मसलन भीमा कोरेगांव हिंसा के पीछे का कारण, उसमें तमाम प्रतिक्रियावादी ताकतों की भूमिका और फिर कई वर्गों के लोगों के विरुद्ध पुणे पुलिस की जांच, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, भीमा कोरेगांव की घटना ये कोई पहली और आखिरी घटना ऐसी नहीं थी। देश भर में ऐसी कई घटनाएं होती रहती थी, लेकिन अमूमन होता क्या था कि हम लोग इसको एक घटना के रूप में लेते थे और लेकिन इसके पीछे जो पूरा तंत्र है जो काम करता था, और एकमात्र ये आइसोलेटेड घटना नहीं थी, एक पूरा पैटर्न था ऐसी घटनाओं का जो फॉलो होता था। इसकी जांच का जिम्मा चूंकि वो पुणे कमिश्नरेट के अंदर में आता है तो पुणे पुलिस ने इसका लिया। जब प्रारंभिक जांच में कुछ संदेहास्पद चीजें थी कि ये कोई घटना नहीं है बल्कि ये प्रायोजित है, तो बाद में भीमा कोरेगांव और बंबई में जो घटनाएं हुई थी उसके रिपरकशंस में, उसमें ये पाया गया था कि बजापते लोग नक्सलाइट्स जंगल से बुलाए गए थे और ये बड़ी योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ था, इसकी फंडिंग हुई थी और नक्सलाइट्स भीमा कोरेगांव में ही इन्वॉल्व नहीं थे। वो मुंबई में जो हिंसा हुई उसमें भी उनकी भूमिका थी, प्रत्यक्ष रूप से नक्सलाइट्स वहां मौजूद थे, फिर वापस ये लोग जंगलों में गए। मामला यही नहीं रुका इसके लिए, बल्कि पुणे पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिस फोर्स में से हमारी जो स्टेट पुलिस है वो कई बार ऐसे काम करती है कि जब उन्होंने पड़ते उधेड़ने शुरू किए तो उसमें से कई बड़ी चौंकाने चीज चौंकाने वाली बातें निकली। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की जांच नहीं चल रही थी, जांच तो एक हिंसा की चल रही थी, एक घटना की चल रही थी, लेकिन उसके जब तार खुलने शुरू हुए तो एक पूरा बड़ा नेक्सस जिसका केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में एक ग्लोबल नेटवर्क था वो एक्सपोज हुआ। और वो इतने दुस्साहसी हैं कि भारत जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहे थे और पुणे पुलिस को उससे संबंधित खूब पुख्ता जानकारियां मिली, एक पत्र मिला, पत्र के अलावा कई और सारी चीजें मिली जिसमें प्रधानमंत्री को मारने की बात कही गई थी, वो कॉरेस्पॉन्डेंस था। रोना विल्सन एक व्यक्ति उसमें पकड़ा गया जो JNU का छात्र रहा था, JNU के पास ही मुंद्रा में उस समय रह रहा था। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जांच वो जांच अभी तक कहां पहुंची है, मैं वही बता रहा हूं कि उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पक्ष है कि हम लोग झारखंड में बैठ करके ये परिचर्चा कर रहे हैं कि पुणे पुलिस ने जो जांच किया उसका झारखंड कनेक्शन है और झारखंड कनेक्शन बड़ा जोरदार है। मैं जैसे बताता हूं आपको, एक की प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में ऐसे 7 नंबर्स का इस्तेमाल हुआ था, मोबाइल नंबर था, जो झारखंड और बिहार सर्कल के थे। श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब उन पर ऑलरेडी एक बार हत्या का प्रयास हो चुका था पटना में, आपको ध्यान होगा, गांधी मैदान में। उसमें जो NIA ने जो जांच किया था तो उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी कि ऐसे 8-9 जगहों का रेकी किया गया था कि जहां प्रधान मतलब कि उसमें तो प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इनकी रैलियां होने वाली हैं और उसमें जो आतंकवादी थे उसमें बातचीत का एक बड़ा किस्सा बताता हूं, अभी तक कहीं छपा भी नहीं अखबार में, कि उनकी यह बातचीत थी कि उस समय जो तत्कालीन पटना SP थे जो बड़ा सिंघम के तौर पर मनु महाराज प्रसिद्ध हैं, तो मनु महाराज के बारे में आतंकवादियों ने यह बात किया था कि यह बड़ा हवाबाज किस्म का आदमी है और यहां पे सबसे हम लोगों को सुविधा होगी बम ब्लास्ट करने में, और वो एक प्रयास हुआ था उनके ऊपर। तो ये कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है कि उसका बिहार झारखंड कनेक्शन है, जिन मोबाइल नंबर्स का मैं जिक्र कर रहा हूं। दूसरा,
एक मिनिस्ट्री ऑफ होम ने झारखंड के डीजी को 28 ये जून 2018 में एक पत्र। थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा आपको भीमा कोरेगांव पे, चूंकि आपने बात कही थी, तो भीमा कोरेगांव जो घटना में जो मतलब जो हिंसा हुई, तो वो महार रेजिमेंट जो ब्रिटिश टाइम में था, उन लोगों ने मराठों को शिकस्त दी थी और उसी के की सालगिरह जो है 200वीं वर्षगांठ वो लोग मना रहे थे। एक स्वाभाविक मतलब उनकी सामान्य मतलब जो है सालाना उनका जलसा होता है महारों का, जो वो करते आए हैं, इस बार भी वो कर रहे थे। तो इस बार जो मतलब जो एक हिंसा जो हुई उसमें संभाजी एक बोटे और मिलिंद एक बोटे और संभाजी बेड़े का भी नाम आया था, मतलब वो वहाँ पे थे वहाँ। तो ये एक तो पहलू है कि जो मतलब जो भागीदारी है इन लोगों की, जो इस तरह से दूसरे इन लोगों की जो ये भूमिका को लेकर जो सवाल है, हम एक तो पहलू है कि स्थिर स्वामी या दूसरे लोगों को जिस पर पुलिस जांच कर रही है, वो भी वो जांच का विषय है, वो चल रहा है, ठीक है, लेकिन उनकी जो भूमिका थी वहाँ पे उस पर भी क्वेश्चन आया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए ये बड़ा एक तकनीकी पहलू है, इसको आप जो वैज्ञानिकता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन साइंस है, जिस साइंस को ये फॉलो करते हैं ये जो नक्सली ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो अर्बन नक्सल्स का जो सिस्टम है, ये अर्बन नक्सल्स बेसिकली क्या करते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को जो बौद्धिक जगत है उसका सबसे बड़ा ठेकेदार मानते हैं, मतलब बौद्धिक जगत की पूरी 100% ठेकेदारी नहीं के पास है, और ये उन घटनाओं को जो जंगलों में होती हैं, जो नक्सली राइट्स के नाम पर हिंसा होती है, उनको कवर फायर देने का काम करता है। मैं आता हूँ महार रेजिमेंट वाली बात पर। देखिए वो सालाना जो जलसा था वो वास्तव में एक सच्ची घटना है जो महार की अस्मिता से जुड़ा हुआ एक मामला है, जिसको हर साल वो वहाँ के जो दलित समुदाय के लोग हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, मैं जो बात बोल रहा हूँ कि जो अभी की जो इसमें मिलावट की गई वो अस्मिता का सेलिब्रेशन था, लेकिन उसमें केवल जैसे होता है कि आप दूध है तो भाई 10 लीटर दूध है और उसमें एक चम्मच नमक डाल दीजिए, तो क्या होता है कि दूध का जो चरित्र है वही खत्म हो जाता है। तो ऐसे कार्यक्रमों को आइडेंटिफाई करके, ऐसी परंपराओं को आइडेंटिफाई करके, ये जो अर्बन नक्सल्स हैं या जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं, वो थोड़ा सा मिलाती हैं, जैसे 10 लीटर दूध में एक चम्मच नमक मिलाया जाता है। उसमें ये फिर मिलावट हुई कि एक अस्मिता का सेलिब्रेशन और ये किस तरीके से बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई होती है, किस तरीके से सत्ता और शोषित की लड़ाई होती है, इसको पेंट करने का प्रयास किया गया। और उसी में जब परतें खुली तो ये सारी बातें निकल करके आई कि ये केवल सेलिब्रेशन और बाकी एक पक्ष और दूसरे पक्ष का झगड़ा नहीं था, एक पूरी प्लानिंग थी और जिसका एक बड़ा हेतु था, एक बड़ा मैसेज देना था। मैं झारखंड पे आता हूं तो आप उसको बेहतर समझ पाएंगे, भीमा कोरेगांव की घटना को। आपको भीमा कोरेगांव को जब समझना होगा तो आपको झारखंड आना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि 10 लीटर दूध में चम्मच नमक मिला दीजिए तो दूध का चरित्र ही बदल जाता है, और भीमा कोरेगांव वाली जो घटना थी, एक पुरानी परंपरा जो सेलिब्रेशन थे जो 200 सालों से चली आ रही है, उसमें थोड़ा सा मिलावट किया गया और किस तरीके से एक ऐसा उग्र आंदोलन बना जो कि जिसमें देश विरोधी ताकतें शामिल थी। आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा तो आप भीमा कोरेगांव बेहतर समझ पाएंगे। झारखंड में पत्थलगड़ी की घटना हुई, पत्थलगड़ी की घटना भी भीमा कोरेगांव की तरह ही एक पुरानी आदिवासी परंपरा है, बल्कि उससे भी ज्यादा एक पुरानी आदिवासी परंपरा है जो शाश्वत चली आ रही है, स्वशासन से जुड़ी हुई है और वो शाश्वत चली आ रही है, फिर शेड्यूल एरिया में उसका प्रोविजन भी है, और वो एक सच्ची घटना है जो चली आ रही है। उसमें किया क्या जाता है, तो जैसे 10 केजी दूध में एक चम्मच नमक मिलाइए, उसी तरीके से पत्थलगड़ी में थोड़ी सी मिलावट हुई है, और ऐसी मिलावट की गई कि जो पत्थलगड़ी करने वाले लोग हैं जो आदिवासी हैं उनको भी समझ में ना आए। और ये पूरा का पूरा जो नेचर है पत्थलगड़ी का, ये सत्ता विरोधी भारत विरोधी एक आंदोलन के रूप में तब्दील हो जाए, कि पत्थलगड़ी को एक जो पुरानी परंपरा है वो एक आती है और सब मिलावट ये की जाती है कि भाई ये जो सरकार है ये चोर है, ये जो पुलिस है ये चोर है, डाकू है, और हमारा स्वशासन है और हम इस सरकार को अवैध घोषित करते हैं। मामला फिर आगे जाता है, अवैध घोषित करते हैं, उसके बाद हम अपनी आर्मी बनाएंगे, हम अपनी पुलिस बनाएंगे, हम अपनी करेंसी लाएंगे और हम अपना मेडिकल सिस्टम खुद का खड़ा करेंगे। मतलब आप ये समझिए कि एक जो एंटी नेशनल जो स्वरूप होता है और एक खूबसूरत सी पुरानी परंपरा को थोड़ा सा मिलावट करके एक कैसे एंटी नेशनल मूवमेंट के रूप में, सेसेशनिस्ट मूवमेंट के रूप में तब्दील कर दिया जाता है, इसको समझना हो तो जैसे हम भीमा कोरेगांव को समझा रहे हैं आपको झारखंड से,
अब झारखंड की घटना समझनी हो तो आप अमेरिका चलिए। अमेरिका का एक बड़ा पब्लिकेशन है द इकोनॉमिस्ट, पूरे दुनिया भर में उसकी चर्चा है। अमेरिका के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने एक ऐसी छोटी सी घटना जो हुई और खत्म हो गई उसके बारे में महिमा मंडित करते हुए बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे। द इकोनॉमिस्ट का उल्लेख मुझे याद है कि रेवोल्यूशन रॉक्स। तो ये समझिए, ये अर्बन नक्सलिज्म है कि कोई एक घटना होती है उसमें थोड़ी सी मिलावट की जाती है पुरानी परंपरागत चीज को, उसको राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, सत्ता विरोधी बनाया जाता है और फिर उसको कवर फायर देने का जो काम है ये इंटेलेक्चुअल्स करते हैं। टीवी डिबेट्स में बैठ करके, आर्टिकल्स लिख करके, देश और दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में आर्टिकल्स लिख करके ये कवर फायर। और ये जो कवर फायर देने वाला जो अर्बन नक्सल का गिरोह था ये पर्दाफाश हुआ पुणे मालेगांव इन्वेस्टिगेशन में। और इनकी दुस्साहस और इनकी जो घृणित मानसिकता है ये तब और ज्यादा उजागर हुई कि ये जो अर्बन नक्सल्स के लोग हैं ये भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहे हैं। ठीक है, तो कोई घटना अगर होती है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं का सुर्खियां बटोर रही है तो थोड़ा सा जब उसका डीएनए मैपिंग करेंगे। जब नक्सलिज्म आया भारत में, तो ऐसा नहीं था कि एकाएक आया, शोषण था, जमींदारों का आम किसानों का रिफॉर्म नहीं हो पाया, लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ था, आज भी वो लेकिन जो नक्सलिज्म आया उसका हेतु फार्मर्स और जो शोषित थे उनका वेलफेयर नहीं था। अगर रहा होता तो कोई एक ऐसी घटना रही होती कि जहां वेलफेयर दिख रहा होता। बेसिकली उन्होंने उस माहौल को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया। ठीक है, और आउटपुट क्या हुआ पूरे नक्सलाइट मूवमेंट का, लेवी। उसी तरीके से जो ये पत्थलगड़ी वाली घटना हुई, मैं मानता हूं कि आदिवासी जो आपको पत्थलगड़ी के समर्थन में तीर धनुष लिए हुए और सरकार से भिड़ने को तैयार दिख रहे थे ये उसके कॉन्स्पिरेटर्स नहीं थे। कॉन्स्पिरेसी कहीं बाहर भी देशों में होती है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में होती है, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होती है। इन आदिवासियों को रॉ मटेरियल्स की तरह यूज किया जाता है। प्रॉब्लम्स हैं तो उनका उपचार जो है वो संविधान के तरीके से ही निकलेगा। और मैं तो मानता हूं कि जो स्थानीय स्वशासन की जो नीति है और जो सरकार की नीति है ये दोनों में टकराव कहां है, आप इसको इस तरीके से समझिए कि इसको बाइनरी में देखने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि साहब आपको दूध चाहिए कि रोटी चाहिए, तो ये बड़ा बढ़िया सा सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे। दोनों चाहिए, अरे दूध भी चाहिए और रोटी भी, दो अच्छी चीजों में विकल्प क्यों तलाशते हैं आप। तो स्थानीय जो स्वशासन की व्यवस्था है और जो सरकारी तंत्र है जो भारत के संविधान के तहत चलता है इन दोनों में कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, बल्कि इन दोनों के समन्वय से एक बड़ा खूबसूरत समाज बन सकता है। इनमें कॉन्ट्रोडिक्शन खड़ा करना, एक दूसरे के सामने खड़ा करना, इन आदिवासियों को उसी तरीके से रॉ मटेरियल की तरह यूज करना जैसा नक्सलाइट मूवमेंट को यूज किया गया था। मैं एक बात को जोड़ रहा हूं कि देखिए नक्सलाइट मूवमेंट की उम्र पूरी हो गई, अब AK-47 से नहीं चला जा सकता। दुनिया भर में थू हो रही है, एक भी घटना होती है तो पूरा उनका पोस्टमार्टम हो जाता है। ये नया फॉर्मेट है टेररिज्म का जिसमें पत्थलगड़ी जैसी घटनाएं की जा रही हैं, जिसमें भीमा कोरेगांव जैसी घटनाएं की जा रही हैं, झारखंड सरकार ने जिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संगठन पर बैन लगाया है, PFI का जो काम करने का तौर तरीका देखेंगे तो ये नया फॉर्मेट टेररिज्म का। आपसे जब बात करेंगे तो बोलेंगे भाई हम लोग गरीब लड़कियों का विवाह कराते हैं, हम अनाथालय चलाते हैं, हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं, हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, और थोड़ा अंदर जब घुसेंगे तो मालूम चलेगा ये टेररिज्म के ब्रीडिंग सेंटर्स हैं। ये फॉर्मेट ही बदल दिया गया है, ये नक्सलाइट मूवमेंट अपने उम्र को प्राप्त कर गया। मतलब मिशनरियों में किसी संगठन की सीधी अगर भूमिका या परोक्ष रूप से अगर भूमिका सामने आई है तो उसके बारे में अगर थोड़ा आप बताना चाहें, जैसे किसी संगठन का नाम जो इस जांच में ऐसा आया कि हाँ ये इस तरह की गतिविधि में है, ऐसा कोई आपके? देखिए झारखंड में मानता हूँ कि एक बड़ी अद्भुत प्रयोगशाला है, और प्रयोगशाला होने के कई कारण हैं इसके। एक तो कई प्रकार की जातियाँ जनजातियाँ हैं यहाँ पे, क्रिश्चियन मिशनरीज का एक बड़ा बेस है यहाँ पे। दूसरा कि झारखंड में एक मुख्यमंत्री हैं जो अभी श्री रघुवर दास भारत के इतिहास के, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत टेक्निकल बात बोल रहा हूँ, भारत के इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं केवल भाजपा के ही नहीं जिन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को थ्रेट माना और सीधे सीधे उनसे दो दो हाथ कर लिया है। तो आप देखिए कि रेप कांड जो हुआ और जो बच्चा चोरी का कांड निर्मल हृदय का हुआ, ये पिछले 5-7-8 साल से लगातार इस पर कंप्लेन हो रहा था, कार्रवाई रघुवर सरकार ने की।
जो चर्च का लैंड फ्रॉड का मैटर था, कार्रवाई रघुवर दास की सरकार ने की। पत्थलगड़ी को जिस तरीके से हैंडल किया, कार्रवाई रघुवर दास सरकार ने की। जो धर्मांतरण का बिल रघुवर सरकार लेकर के आई, पीएफआई पूरे देश में काम कर रहा है, पूरे देश में भी चर्चा चल रही है कि इसको प्रतिबंध किया जाए, केंद्र से भी अलग अलग राज्य सरकारें भी उस पर प्रस्ताव ला रही हैं, उसको प्रतिबंधित रघुवर सरकार ने किया। तो मैं बोल रहा हूं कि रघुवर दास भी एक कारण है कि जिस तरीके से इन्होंने सीधे सीधे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है कि वो जो भनभनाहट हुई है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहा है लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत झारखंड में एक मंच पे काम कर रहे हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे ईसाई मिशनरियां हैं, आप जब संथाल परगना में जाएंगे और बहुत सारे जगहों पे जाएंगे तो ईसाई मिशनरी क्या करते हैं कि किसी एक गरीब लड़की को उठाया, उसको कन्वर्ट किया, उसको पढ़ाया लिखाया और टीचर बन गई या नर्स बन गई। एकाएक एक बांग्लादेशी मुल्ला आता है लुंगी पहने हुए और उसको भगा के ले जाता है। तो 3 साल पहले का एक मैं रिसर्च बता रहा हूं जिसमें ईसाई मिशनरियां बहुत चिंतित थीं और एक बड़े कार्रवाई की तैयारी में थीं इन घुसपैठिए बांग्लादेशी मुस्लिमों के खिलाफ, कि ये जिस तरीके से टारगेट करके ईसाई लड़कियों को ये लोग शादी कर रहे हैं, तो एक बड़ी तैयारी में थी ईसाई मिशनरी। लेकिन चूंकि ईसाई मिशनरियां भी परेशान है इस सरकार से और पीएफआई जैसे संगठन भी सरकार है, तो आपसी मतभेद भुला करके इन लोगों ने एक मंच पे आने का काम किया। अभी बता रहा हूं आपको कि झारखंड में एक नक्सलाइट्स की मीटिंग हुई, एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी था उसने पार्टिसिपेट किया है। एक और घटना बता रहा हूं, यह बड़ी चौंकाने वाली जानकारी होगी कि 1.5 वर्ष पूर्व लगभग कलकत्ता में एक अर्बन नक्सल जो झारखंड से जिनका कनेक्शन है, उनकी मीटिंग एक नक्सल लीडर से हुई जिसमें इस धर्मांतरण बिल पे बातचीत हुई कि रघुवर दास की सरकार ने जो धर्मांतरण बिल लाया है ये बड़ा आदिवासी विरोधी है और ईसाई विरोधी है। तो इसके लिए क्या करना था कि झारखंड के भाजपा और उससे संबंधित संगठन, मतलब कि उसमें संघ को भी दायरे में लिया गया था, इनके बड़े लीडर्स का अपहरण करके और जरूरत पड़े तो उनकी हत्या करके झारखंड सरकार पे इस बात का प्रेशर बिल्डअप करना था कि आप धर्मांतरण बिल वापस लीजिए। और उसमें और बताता हूं कि किस तरीके से इंटरनेशनल कनेक्शन की बात आती है। मामला झारखंड का है, झारखंड पे प्रेशर बिल्डअप करना है, उसके लिए फंड की चर्चा हुई उस अर्बन नक्सल और जो ईसाई ये जो नक्सल लीडर के बीच में जो बातचीत हुई, तो उसमें लगभग 65 करोड़ रुपए की फंड की चर्चा की गई। और वो जो 65 करोड़ का फंड है जर्मनी की एक संस्था है उसके थ्रू रूट करने की बात हुई और सरकार की एजेंसियां मान रही है कि वो पैसा डिसबर्स हो गया है। अगर कल को कोई घटना हो जाए जिसमें भाजपा और संघ के नेताओं का अपहरण होता है, कल सुबह अगर कोई घटना हो जाए तो इसमें आश्चर्य मत कीजिएगा। ये 2 साल पहले ये तय हुआ, उसके लिए फंड जनरेट किया गया, फंड को जर्मनी के माध्यम से डिस्पर्स किया गया। तो ये पूरी एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जो भीमा कोरेगांव के रूप में, जो कभी पीएफआई के रूप में, जो कभी अलग अलग माध्यमों से परिलक्षित हो रही है। एक बात बताता हूं आपको, देखिए जो सामने चीजें दिख रही हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाण, कश्मीर इशू पे चर्चा होती है, कश्मीर बड़ा प्रॉब्लम में है। मुझसे पूछिएगा तो मैं बड़ा खुल के बोलता हूं, इस पे कई मित्र बड़े असहमत से होते हैं, मुझे लगता है कश्मीर में इशू ही नहीं है। ऐसा नहीं इशू नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि इशू है तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए उतना मैन पावर मशीनरी और सिस्टम भी लगा हुआ है। लेकिन ये आप ईस्टर्न कॉरिडोर पे आइए जिसमें झारखंड के 4 जिले पड़ते हैं, संताल परगना के, पाकुड़, साहिबगंज, सिमडेगा, बंगाल के 10-12 जिले हैं और बिहार के भागलपुर, अररिया, ये सब जिले हैं। यहां पर पिछले 30 सालों में जिस तरीके से सेटल किया गया है, जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज किया गया है, एक पूरा कॉरिडोर डेवलप हुआ है जिसको मैं बोलता हूं कि यह जिहाद कॉरिडोर है। जिहाद कॉरिडोर क्या है? ये रेड कॉरिडोर की तरह है जिन नक्सलियों की का एक कॉन्सेप्ट था, एक तो जिहाद का भी प्रोजेक्ट जिहाद का जिक्र होता है जी। जिहाद कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसी पट्टी डेवलप करना एक लंबे एरिया में जिसमें मिनिमम नोटिस में, एकदम शॉर्ट टर्म के नोटिस में मैक्सिमम मोबिलाइजेशन किया जा सके। उसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि पाकुड़, साहिबगंज जैसे जगहों पे, बंगाल के जिन जिलों का मैं जिक्र कर रहा हूं, बिहार के जिन जिलों का जिक्र कर रहा हूं, पिछले 30-40 सालों में डेमोग्राफी इस तरीके से बदला है कि जहां 30% मुस्लिम आबादी थी वहां 70-80% मुस्लिम आबादी हो गई है कहीं कहीं। उधवा एक ब्लॉक है राजमहल में, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बता रहा हूं, हमको यह मालूम है राजीव में बैठ करके कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया,
लेकिन हमको रांची में बैठकर के ये नहीं मालूम है कि राजमहल में एक उधवा प्रखंड है जहां से दो जातियों का इथनिक क्लींजिंग हो गया, चाई मंडल और गंगोता। लेकिन पिछले 30 अच्छा आपको मालूम है पिछले 30 सालों में दो जातियां टारगेट करके चाई मंडल और गंगोता, इन दो जातियों का चेक कर लीजिए, नामो निशान मिटा दिया गया। ये सबसे ज्यादा होती थी उधवा प्रखंड में। दूसरा, पिछले साल बकरीद की घटना बताता हूं। बकरीद में पिछले साल बकरीद में क्या हुआ पाकुड़ में, ट्राइबल्स में दोनों आते हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं, ओबीसी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं। और ये आपको पिछले साल बकरीद में क्या हुआ कि पाकुड़ पुलिस के साथ एक झड़प हुई। एक 100 नंबर से फोन आया रांची से कि एक सरकारी स्कूल है वहां और वहां पर पशु काटे गए हैं, गाय काटी गई है। जब पुलिस पहुंचती है तो हमला होता है, और जब हमला होता है तो एकाएक 15,000 से 20,000 की फौज, मतलब की लोगों की टीम, और अल्लाहू अकबर करते हुए पुलिस की तरफ बढ़ती है। बहुत नैरो स्केप था जिसमें डीसी और एसपी की हत्या होते होते बची है सर। तो आधे घंटे के अंदर में 15,000 से 20,000 का मोबिलाइजेशन कर लेना, यह जिहाद कॉरिडोर का कंसेप्ट है। यह जिहाद कॉरिडोर मूर्त रूप ले रहा है और यह 1500-1600 किलोमीटर की स्ट्रेच में है। और मैं बोल रहा हूं कि इस पर हमारा ध्यान ही नहीं है, इसको लेकर के हमने कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई है। यहां बैठे हुए पत्रकारों को और अधिकारियों को मालूम है कि कश्मीर में इशू है, लेकिन ईस्टर्न कॉरिडोर हमारा इतना वल्नरेबल हो गया है, इस बड़े पैमाने पे वहां गतिविधियां चल रही हैं अनाप शनाप, पीएफआई की भी सबसे ज्यादा गतिविधियां वहीं चल रही थी जिसको झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है। मैं बोलूं कि ये ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी है, इसको समझिए आप, कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रची जाती है, झारखंड के भाजपा के नेताओं को मारने की साजिश रची जाती है। मैं बोल रहा हूं कि जिस तरीके से झारखंड एक प्रयोगशाला बना है, अब ये बताइए कि झारखंड से कश्मीर के आतंकवादियों का क्या मतलब है सर? कोई मतलब नहीं है। लेकिन झारखंड में मैं बता रहा हूं आपको कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे आतंकवादी संगठन, क्रिश्चियन मिशनरी जैसे अपने को बड़ा मॉडरेट बताने वाले संगठन, और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठन, ये ज्वाइंट वेंचर में मिलकर के प्रोग्राम कर रहे हैं, जिनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है कि जो राष्ट्रवादी सरकार राज्य में है और जो राष्ट्रवादी सरकार केंद्र में है, इसको डिस्टेबलाइज करना, और उसके लिए झारखंड को एक प्रयोगशाला के रूप में चुना गया है। ठीक है, मैं एक पत्र का जिक्र करना भूल गया। ये एक पत्र है जो जून 2018 में भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री ने झारखंड डीजी को लिखा था। उस समय रोना विल्सन वाला प्रकरण चल रहा था कि किस तरीके से दो लोग हैं, अंजनी कुमार मल और रोना विल्सन, ये दोनों झारखंड में जब पीएफआई पे प्रतिबंध झारखंड सरकार ने लगाया तो प्रतिबंध हटे इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉबिंग कर रहे थे। दूसरा, जो माओवादी के वकील हैं, जो माओवादी संगठन के लोग हैं और जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग हैं, इनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बैठे, इसके लिए दोनों लोग काम कर रहे हैं। रोना विल्सन जो प्राइम मिनिस्टर एसेसिनेशन में, जो प्राइम मिनिस्टर हत्या की साजिश का सबसे मेन अक्यूज है, वो झारखंड में किस तरीके से एक्टिव है, ये पत्र आपको दर्शाता है। अर्बन नक्सल का पूरा एक जो नेक्सस है जो पूरे देश और दुनिया भर में है, उसके बहुत एक्टिव मेंबर हैं स्टेन स्वामी। स्टेन स्वामी हैं क्या? झारखंड में पूछिएगा तो लोग बताएंगे कि भाई ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों। स्टेन स्वामी बैंगलोर बेस्ड एक संस्था है, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट ISI, जिसका दिल्ली में भी ब्रांच है और बैंगलोर में भी है, उसके लंबे समय तक डायरेक्टर रहे हैं। आप ISI, मैं ISI की बहुत सारी किताबें को पढ़ता हूँ, ISI का जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो सरकार से ऐड लिया इन लोगों ने, सरकार से जमीन ली इन्होंने, फिर फॉरेन FCRA का फंड लिया इन्होंने, और जितना लिटरेचर इन्होंने छापा है, लिखा है, उसमें यही है कि इसमें इन्होंने हजारों किताबें छापी हैं, उसमें यही है कि ये जो भारत सरकार है, ये जो राज्य सरकार है, ये गरीब विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ये माइनॉरिटी विरोधी है, ठीक है, और इस सरकार को साहब उखाड़ फुकाड़ करके फेंकना चाहिए, ठीक है, और ये सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, सरकार से ही फंड लेकर के और सरकार से ही ऐड लेकर के, ये सरकारी खर्चे पर ही देश विदेश घूम घूम करके सरकार के खिलाफ जहर उबलते रहे हैं। उस जांच के प्रक्रिया में जो ISI जैसी संस्थाएं हैं जिन्होंने इतना जहर छापा है, इन लोगों को भी जांच के दायरे में लिया जाना चाहिए। और स्टेन स्वामी को लेकर के पुणे पुलिस ऐसे ही नहीं इन अर्बन नक्सल्स को, या कोई उनका ऐसा नहीं है कि उनकी कोई अभिरुचि है इनको परेशान करने में, इन सारे नर अर्बन नक्सल के खिलाफ टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, ट्रक लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, ट्रक लोड्स ऑफ एविडेंस हैं इनके खिलाफ। देखिए, एक व्यक्ति होते थे, अभी हैं, जीवित हैं, जिनका नाम था VT राजशेखर शेट्टी। VT राजशेखर शेट्टी
सेट्टी यानी बंट समुदाय के सेट्टी होते हैं कर्नाटक में, सेट्टी होते हैं। लेकिन बीटी राजशेखर सेट्टी कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ काम करते थे और दलित वॉयस के नाम से अपने को दलित बोलते थे कि भाई सेट्टी लोग गलती से आ गए हैं, सेट्टी आर बेसिकली दलित। तो बीटी राजशेखर सेट्टी ने दलित वॉयस के नाम से एक पत्रिका भी शुरू की। बीटी पर कई बार राजद्रोह के आरोप लगे। अब एक घटना बताता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वीटी राजशेखर सेट्टी ने एक थ्योरी दिया, न्यू रेसिपी ऑफ ब्लडलेस रेवोल्यूशन। जब आप इस 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आज की घटनाओं को आप समझ पाएंगे, भीमा कोरेगांव और ये जो पतलगड़ी और पीएफआई को आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से उस 30 साल की घटना, पहले की घटना का जो रेफरेंस दूंगा। वीटी राजशेखर सेट्टी ने एक उसमें जो द न्यू रेसिपी ऑफ ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ये न्यू रेसिपी क्या थी? तो 85% बनाम 15%, ये जो 85% है ये 15% अगड़े हैं, और 85% में कौन कौन है? मुस्लिम्स, आदिवासी, दलित, माइनॉरिटीज और क्रिश्चियंस। और इन 85% को लीड करने की किसकी जिम्मेवारी है? तो मुस्लिम्स की है। ये बीटी ने लिखा है क्योंकि मुस्लिम्स में वो कैपेसिटी है कि इन 85% को बचा सकता है, और जो 15% हैं जिन्होंने शोषण किया इन 85% का है तो उनको काट मार सकते हैं। वीटी यही नहीं रुकते हैं, वीटी एक ये लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, वो समीकरण तो गैर कांग्रेसवाद भी का जो था लिया था। नहीं, वो समीकरण नहीं था। वीटी एक पत्र लिखते हैं, मुस्लिम दलित एजेंडा फॉर 1991 सिमी कॉन्फ्रेंस। सिमी वही जिसमें प्रतिबंध लग गया, बाद में एनडीएफ और एनडीएफ से फिर पीएफआई हो गया जिसपे झारखंड सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। उसमें ये लिखते हैं कि मुस्लिमों के ऊपर जिम्मेवारी है कि इन 15% को काट मार के समाप्त करें, और ये जो 85% है ये इनके ब्लड ब्रदर्स हैं, इनकी रक्षा करें। और जब आप पीएफआई में, मैं बता रहा हूं, जब यहां पे मैं बता रहा हूं, जब आप पीएफआई में आते हैं तो पीएफआई भी वही रेसिपी की बात करता है कि दलित, आदिवासी। पीएफआई बेसिकली रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, केवल मुसलमानों को ही उसमें रखा जाता है, लेकिन वो बात करता है दलित की, माइनॉरिटीज की, वो बात करता है सिखों की, वो बात करता है आदिवासी की। भीमा कोरेगांव में जब आप जाएंगे तो वहां भी इस पूरी रेसिपी की बातचीत होती है। पीएफआई का जो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है जिसमें वो 2047 में एक ऐसी भारत की कल्पना कर रहे हैं जहां की मुसलमान या तो राजा बनाने की स्थिति में होगा या राजा होगा, ठीक है, लेकिन वो इसी रेसिपी में काम कर रहे हैं। देखिए, ये एक ग्रैंड डिजाइन है, एक ग्रैंड प्लानिंग है, जो बड़े बड़े जो दुनिया के थिंक टैंक से वो डिजाइन करते हैं, ये रेसिपी डिजाइन करते हैं। ये अवधारणा की बात नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी की बात है कि एक ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी की डिजाइन है जिसको डिजाइन किया जाता है विदेशी ताकतों द्वारा, एक बड़े जो इंटरनेशनल थिंक टैंक है उनके द्वारा, और यहां पे उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो कभी वीटी राजशेखर सेट्टी के माध्यम से एक्सप्रेस होता है, तो कभी नक्सलाइट मूवमेंट के माध्यम से, तो कभी भीमा कोरेगांव के माध्यम से, तो कभी नक्सल ये पथलगड़ी आंदोलन के माध्यम से। मैं बोल रहा हूं कि कन्विक्शन हो तब तो हम समझा सकते हैं आपको, लेकिन जब ये ग्रैंड डिजाइन होता है, जब कॉन्स्पिरेसी होता है तो समझा नहीं सकते हैं, तब उसको काउंटर करना होता है। मैं जब झारखंड की घटनाओं का जिक्र करता हूं या महाराष्ट्र की घटनाओं का जिक्र करता हूं और मुझे बोलता हूं कि बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, तो इसके पीछे कहानी है। झारखंड में मैं मानता हूं कि जो मैं दो लाइन में ही बोलूंगा इसको, जो भगवान बिरसा मुंडा की हत्या होती है, ये ब्रिटिशर्स का कम इंटरेस्ट था बिरसा मुंडा को मारने में, उससे ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज का था। जब आप गजेटियर उठाकर देखेंगे तो उस समय लगभग 6 गुना 7 गुना ज़्यादा उन क्षेत्रों में कन्वर्जन का रेट था जो बिरसा मुंडा के एमरजेंस के कारण बंद हो गया था, ठीक है। तो दूसरी बात मैं बताता हूं कि जिन जिन लोगों ने इन मिशनरीज कि संस्थाएं जो बाहर से बहुत सोबर दिखती हैं, बहुत सीधी साधी दिखती हैं, उनमें हाथ लगाया, उसका रिजल्ट पॉलिटिकल मर्डर्स के रूप में आया। झारखंड में सबसे पहला पॉलिटिकल मर्डर वैसा भगवान बिरसा मुंडा का हुआ है। आप इक्वाडोर के प्रधानमंत्री का देखेंगे, पनामा के प्रधानमंत्री का देखेंगे, उनकी भी हत्याओं में इन मिशनरीज का हाथ रहा है। चर्चा का हम इसी के साथ यहाँ समापन करते हैं क्योंकि समय हमारा खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी आपका इसके लिए। आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है, आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं।